हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से, और इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि आपने आपको पता है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उसका सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और राउंड रॉबिन के ऑलरेडी मैं वीडियोज बना चुका हूँ। ये लास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, दैट इज प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी प्रोसेसेस है उसके कुछ प्रायोरिटी सेट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम 10 है और जो प्रायोरिटी है दैट इज वो 3 है। आप P2 का जो है बर्स्ट टाइम 5 है, प्रायोरिटी 1 है। यहाँ पर जो मिनिमम प्रायोरिटी होता है उसका मतलब ये होता है कि उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करने दिया जाएगा। दैट मीन्स जिसकी प्रायोरिटी 1 है वो एग्जीक्यूट पहले करेगा, जिसकी प्रायोरिटी 2 है वो एग्जीक्यूट बाद में करेगा, एंड सो ऑन। तो उसी तरह P3 का आप देख रहे हैं बर्स्ट टाइम 7 है, प्रायोरिटी 4 है, और P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है और प्रायोरिटी 2 है। तो इसका मतलब क्लियर है कि सबसे पहले जो रन करेगा वो P2 रन करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं P2 अपना पूरा पांच यूनिट ऑफ टाइम है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद सेकेंड मौका मिलेगा P4 को, क्योंकि P4 का प्रायोरिटी 2 है। तो यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं 5 + 4 = 9 ये रन कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी है वो जो है P1 की है। तो आप देख रहे हैं इसका जो वर्स्ट टाइम है 10 है, तो 9 + 10 = 19 तक जा रहा है। और फाइनली जो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है वो आपका P3 का है, जिसका जो रनिंग टाइम है दैट इज 7 है। तो 19 + 7 = 26। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। अगर हम बात करें वेटिंग टाइम की, तो P1 जो है 9 यूनिट ऑफ टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो P1 का वेटिंग टाइम 9 है। P2 जो है वो शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है उसका वेटिंग टाइम 0 है। P3 जो है आप देख रहे हैं 19 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका वेटिंग टाइम 19 है। और P4 जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका वेटिंग टाइम 5 है। तो इस तरह आप देख रहे हैं इन चारों को ऐड करके हमने 4 से डिवाइड कर रहा है, तो किया है, तो उसका जो एवरेज टाइम है दैट इज 8.25। तो इस तरीके से प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग काम करता है, जिसमें प्रायोरिटी होती है। तो अगर इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो आपको हर एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम के साथ प्रायोरिटी भी गिवन होगा, और उसी के हिसाब से फिर आपको जो है यू हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ मेरे जितने लाइव सेशन हैं उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट में मेरे वेबसाइट learnfromrakesh.com को भी एक्सेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड गुड बाय।